हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मीन्स केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ की उसकी संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है, कंपोजिशन किन से मिलकर बना है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है। जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, पहले हमें नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, 1 2 3 पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ABCD ये सब आना चाहिए अल्फाबेट। ऐसे ही जब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन से रिलेटेड है, उसमें जिन एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होती है उनका क्या प्रोडक्ट बना, तो ये जब सब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो है इनके एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को हम सिंबल की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं उन सिंबल है क्या, सिंबल एक शॉर्ट नोटेशन है जो फुल नेम की जगह यूज किया जाता है। आप जितने भी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, इनको बार बार हर जगह रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, जगह ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम नाम बोलने में तो उसको यूज करते हैं, हम उसका फुल नेम, लेकिन जब रिएक्शन में उसको कहीं भी यूज किया जाता है तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म होती है, जो उसका सिंबल होता है वही यूज करते हैं। तो सिंबल क्या है, द शॉर्ट नोटेशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इट कॉल्ड इट्स सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कैपिटल H, ऑक्सीजन O, मीन जहाँ भी हाइड्रोजन यूज होगा रिएक्शन में उसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन यूज होगा वहाँ कैपिटल O यूज करेंगे। अब इनमें है क्या कि ज़्यादातर में क्या किया गया है कि स्टार्टिंग का जो भी वर्ड है उसको कैपिटल फॉर्म में या फिर उसके साथ कैपिटल के साथ नेक्स्ट जो वर्ड यूज किया है स्मॉल फॉर्म में, सिंपल की कंडीशन है, या तो उसमें एक सिंगल अल्फाबेट यूज होगा या डबल यूज होंगे। पढ़ेंगे ये बार बार हर यूनिट में यूज होगी, कहीं पे इसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कहीं सिंबल पूछा जाएगा, कहीं एटॉमिक मास से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ की हम सिंबल की लिस्ट जो तैयार की है उसको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन 1, ये जो 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस से आपको याद करना है कि ये इन एलिमेंट्स के क्या है एटॉमिक नंबर, ये फुल नेम, और आगे जो सिंगल या डबल अल्फाबेट लिखे हुए हैं ये इनके सिंबल हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम HE, लिथियम LI, बेरिलियम BE, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन NE। ऐसे ही नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही करना कि फर्स्ट पे आप हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, इस तरीके से क्या होगा कि ये एटॉमिक नंबर होता है, इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो साथ के साथ आपके एटॉमिक नंबर भी तैयार होते हुए चले जाएंगे। 11 पे सोडियम Na, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो क्या है, सोडियम, लेकिन उसके सिंबल में फर्स्ट और सेकंड कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो उनके लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोडियम का जो Na है, Na सिंबल सही है क्योंकि ये इसका जो लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में जो इसका नेम है वो है नेट्रियम, और नेट्रियम के अकॉर्डिंग Na है। यहाँ क्या किया कि इसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन जो सिंबल पहले से यूज चलता हुआ आ रहा था उसी को एडिटिज रखा। तो ये ध्यान रखना है, सोडियम का Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cn, आर्गन Ar, पोटेशियम K, और कैल्शियम Ca। 21 स्कैंडियम Sc, 22 टाइटेनियम Ti, 23 बेरिलियम V, 24 क्रोमियम Cr, 25 मैंगनीज Mn, 26 आयरन Fe, 27 कोबाल्ट Co, 28 निकल Ni, 29 कॉपर Cu, और 30 जिंक Zn। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आयरन का सिंबल थोड़ा अलग है, Ic से
था, पहले काफी इसके बारे में स्टडी हो चुकी थी, तो इनका सिंबल वही रखा, इनका जो नाम है वो थोड़ा चेंज कर दिया। ऐसे हमने 11th में सोडियम पढ़ा था, जिसका सोडियम का सिंबल Na था, वो नेट्रियम से लिया गया है, नेट्रियम से Na बिल्कुल सही है। ऐसे ही पोटेशियम 19th में पोटेशियम पढ़ा था, जिसका सिंबल K था, वो केलियम वर्ड से लिया गया है। तो ये थोड़े जो हटके हैं इनको अच्छे से याद करना है, टेबल हमें पूरी याद